व्यूवर्स, कोई बंदा या कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट ही में अगर आपसे बोलता है कि भाई पहले अपने पैसे ले लो उसके बाद काम करो, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि वो बंदा और वो प्लेटफॉर्म जो है वो 100% ऑथेंटिक है, रियल है, तभी वो कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो अपनी बैंक की डिटेल्स दे दो, फिर वो कह रहा है कि अपने बैंक की डिटेल के साथ अपना जो कन्फर्म आपका एड्रेस है घर का वो भी दे दो। एड्रेस क्यों मांग रहा है, बैंक के डिटेल्स क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, सब सारा कुछ बताऊंगी आपको मैं पूरी डिटेल में, ठीक है। यहाँ से आप महाना मतलब कि यहाँ आपकी सैलरी जो है वो आपको दी जाती है जो कि $2,000 हैं, और $2,000 कितने बनते हैं पाकिस्तानी ये भी आगे बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एज वाला बंदा काम कर सकता है, क्या मसला है, कुछ भी तो नहीं। अकाउंट कैसे बनाना है, $2,000 किस तरीके से कमाने हैं, क्या करना है, और पहले कैसे मतलब कि एडवांस में हमें जो कंप्लीट पेमेंट कैसे मिलती है, तो अगर जानना है, आई नो आप लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा कैफियत, आई कैन अंडरस्टैंड यू, मुझे मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की कैफियत, सो डोंट वरी, चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं हुजरा शुरू की दुनिया में खुश आमदीद। जी व्यूअर्स, वो सभी लोग तो सामने आए जो सब ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक रियल और ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक कि कोई हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, मैं मिलियंस की बात नहीं कह रही, बिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के जो लोग हैं ना उनको बड़ा शौक होता है, वो एक आंसर से मुतमईन नहीं होते, तो क्या करते हैं वो इस तरह से प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपना एक क्वेश्चन जो है रैंडमली पोस्ट करते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, किस तरीके से काम करती है, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर ये लोग जो हैं ट्यूटर्स जो हैं ये हायर करते हैं, उनमें से एक ट्यूटर आप भी हो सकते हैं और आप भी $2,000 में अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स। अब मैं आपको बता दूँ कि ये इनका काम क्या है, ये आपकी पेमेंट आपको पहले क्यों देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप पहले आएंगे ना इस प्लेटफॉर्म, तो सबसे पहले आपसे आपकी बैंक की डिटेल्स मांगेंगे कि अपनी बैंक की डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दो, और साथ ही में अपने घर का एड्रेस भी दे दो। एड्रेस क्यों दो, क्योंकि इन केस अगर आपकी बैंकिंग की ट्रांजेक्शन में कोई टाइम लगता है, ठीक है, यानी कि कोई डिले हो जाता है, तो फिर ये क्या करते हैं, वाया चेक, मतलब कि वाया चेक ये आपको पेमेंट करते हैं, जो कि किसी भी पोस्ट ऑफिस से आके आपको मिल जाता है आपका चेक। तो इतना कोई इतना रिलायबल और इतना जेन्युइन प्लेटफॉर्म देता है, ये वाला प्लेटफॉर्म है, ये अपने जो है ये अपने लोगों के साथ फेयर चलते हैं और अच्छा चलते हैं, ठीक है। आप भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, अच्छी ज़बरदस्ती अर्निंग कर सकते हैं, और यहाँ पर मेन अपना प्रूफ मैं दूंगी आपको लाइव में, यहाँ पे इंशाल्लाह रजिस्टर होके दिखाऊंगी लाइव, यहाँ पर मैं ये जॉब आपको लेके दिखाऊंगी, और सेम आपने वही स्टेप, वही चीज़ें, वही मेथड आप लोगों ने करना है, ताकि मेरी तरह इंशाल्लाह आप लोगों को भी वो जॉब मिल सके, जहाँ पर घर बैठे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब देने हैं और कुछ भी नहीं करना। अब ये बात तो आपके दिमाग में ज़रूर आ रही होगी, बल्कि कुछ सवालात होंगे तो उनके जवाब बाद में पहले दे दूँ। अब यहाँ पे सवाल होगा कि मैडम सवाल कहाँ से आएगा, ठीक है, सवाल पूछने वाला कौन होगा, सवाल किस तरह के होंगे, तो यहाँ पे जितने सारे सवाल होते हैं सारे के सारे अवेलेबल होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, स्टूडेंट्स आके पोस्ट करते हैं, आप लोगों ने सिंपली कोई भी रैंडमली जो है सवाल लेके उसका जवाब देना है, बस उसके अगेंस्ट में आपको ज़बरदस्ती सैलरी मिलते हैं। तो चलें फिर वीडियो की डिटेल की तरफ। यहाँ पर जो लोग मोबाइल पे काम करेंगे तो कोई मसला नहीं है उनके लिए, ठीक है। आप लोगों ने जाके अपने क्रोम की सेटिंग में सिंपल सा क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल को डेस्कटॉप व्यू पे ले आना है, बस आपका मोबाइल डेस्कटॉप व्यू पे आ गया, आपका पूरा का पूरा जो व्यू आएगा आपको व्यू आएगा आपके लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, सही है जी। अच्छा जी, मुझे क्या करना है, सबसे पहले आना है गूगल में, गूगल में आने के साथ ही मैं एक अब मेरा जो प्लेटफॉर्म है जो आपको पहले पैसे दे रहा है उसका नाम है जी ट्रांसट्यूटर्स। आप जैसे ही यहाँ लिखते हैं तो ये देखें, इसकी स्पेलिंग चेक कर लें, तो पहला लिंक आप जब जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से मैन डैशबोर्ड आ जाता है इस वेबसाइट का। ये यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स आप लोग कवर कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आप लोग कवर कर सकते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज, उसके अलावा आप लोगों को मिलता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि अनलिमिटेड अक्रॉस टू 1.5 मिलियन टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट विद एन ऑनलाइन ट्यूटर। आप यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको 24 घंटों में यानी कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटों में आपको ट्यूटर अवेलेबल मिलेंगे, जो कि आपके सारे सवालात के आपको जो है सर्टिफिकेशन वाले आंसर करेंगे,
ठीक है, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये क्या करते हैं, ये हायरिंग करते हैं ना हाई लेवल के ट्यूटर्स की, तो हम लोगों को क्या करना है, कैसे इन होना है, किस तरीके से ये जॉब लेनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए सिंपल आप लोगों ने ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये वाला यहाँ पे देखिएगा गौर से। अब आप स्टेप कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, पूरे के पूरे फॉलो करेंगे, तभी जाके आप लोग जो है लॉग इन होंगे और ये जॉब आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ फिर मुझे कमेंट नहीं कीजिएगा कि मैडम अकाउंट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल आप लोग ट्यूटर्स में आएंगे तो ये ऑप्शन, ठीक है, ये वाला जो आपका पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये कह रहे हैं ना वर्क एनी टाइम, किसी भी वक्त, एनी वेयर, किसी भी जगह, ठीक है। बिकम एन एक्सपर्ट नाउ अर्न अप टू $2,000 पर मंथ, लिखा हुआ है ना, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रही हूँ, ऐसे हवा में तीर थोड़ी छोड़ रही हूँ मैं, लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पे है व्हाई बिकम एन एक्सपर्ट विथ अस, क्या भाई क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर ज़रा इनके जो बेनिफिट चेक कर लें। ये कहते हैं कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, मतलब कि कोई ट्रैवलिंग नहीं, कोई आप लोगों को ऊपर जो है ना टाइम का ये बैरियर नहीं रख रहे कि इस टाइम में आपको अवेलेबल होना है, ठीक है। साथ ही में इसका जो पे आउट है बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको बोनस ऑन एवरी डे, हर दिन आपको ना है यहाँ पे टारगेट अचीवमेंट पे बोनस मिलते हैं जो कि अच्छे खासे होते हैं। गेट एन एडिशनल लाइफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ इनका जो रॉयल्टी है ना वो अप टू $300 से वो भी मंथली आप लोग ले सकते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट डिफरेंट सब्जेक्ट आंसर फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप सोचेंगे नहीं भाई मैंने नहीं पढ़ा मुझे इस सब्जेक्ट का नहीं पता उसका, तो इसका भी सोल्यूशन है, वेट तो करें, वीडियो को कंप्लीट तो देखें, सब सारी चीज़ें बताने वाली हूँ मैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ सिंपल आपको यहाँ मिलता है 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी, 100 सब्जेक्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड, यहाँ पे आप इनके एक्सपर्ट्स चेक करो, उसके अलावा सॉल्यूशंस चेक करो, पे आउट चेक करो, कितना सारा पे आउट ये अभी तक दे चुकी है, ठीक है। उसके अलावा टॉप अर्निंग एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये देखें, ये इंडिया से, कोई इंडिया से मतलब इंडिया वाले लोग जो हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्यों पीछे हैं, अभी तो कर सकते हैं ना, ये चेक कर लें, सही है। तो वर्ल्ड वाइड आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, अब ये काम कैसे करती है, चार स्टेप्स हैं, गौर से सुन लो। साइन अप करो अकाउंट को, इंटर डिटेल्स, अपनी पूरी डिटेल्स हैं यहाँ से मांगेंगे, मैं अभी आपको पूरी ए टू जी बताने वाली हूँ क्या क्या इंटर करना है, किस तरीके से बैंक डिटेल देनी है, किस तरीके से पैसे लेने हैं, तो मेरे साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी। साथ ही मैं चूज सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट्स मर्जी से, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो कि मेरा अगर मेरी गिरफ्त है कंप्यूटर साइंस में, तो मैं अगर उसमें आती हूँ तो मैं सारे सवालों के जवाब आराम से दे सकती हूँ। जो सब्जेक्ट अच्छा लगे ले लो और उसके सवालों के जवाब दो और पैसे लो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा ऑनलाइन टेस्ट है। अब ऑनलाइन टेस्ट की यहाँ से ना वीडियो बंद नहीं कर दीजिएगा, भागने की कोशिश नहीं कीजिएगा, सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है। अभी आपके सामने लाइव में ये टेस्ट पास करूँगी इंशाल्लाह, लाइव यहाँ पर आपको ये जॉब लेके दिखाऊंगी, क्योंकि आप जब कोशिश करते हो ना तो वो रायगढ़ नहीं जाती, लेकिन बात यही है कि आप लोग दिल से कोशिश करें तभी आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्या स्टेप है, गौर से देखिएगा। बिकम एन एक्सपर्ट नाउ, ये वाला ऑप्शन क्लिक करें ना, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, आप क्या मिलते हैं, ये कह रहे हैं ज्वाइन आवर फास्ट ग्रोइंग पूल फॉर ग्लोबल ट्यूटर्स एंड अर्न हैंडसमली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी। जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी देती हूँ और पासवर्ड, कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है सिंपल सा, ठीक है। मैंने आई एम नॉट रोबोट क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पर आपने क्रिएट माई अकाउंट के भाई आप इसे गो हेड दे दो, देन आपने ये चेक लगाना है और सिंपल सा यहाँ आप लोगों ने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, तो सक्सीड आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्लीट करनी है, ये सारी डिटेल आप लोगों को कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर एज अ ट्यूटर खुद को रजिस्टर करवाने लगे हो, तो सारे स्टेप देखिएगा, नो मिस्टेक, नो स्किप, कुछ भी नहीं करना, गौर से देखना है, ठीक है। पहली डिटेल क्या है, पर्सनल डिटेल, मेक श्योर ऑल द फिल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी आप लोग, कुछ भी इनको गलत लगता है तो ये भाई किसी भी वक्त आपको जो है यहाँ से डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी कंफर्म जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, वही प्रोवाइड करनी है। सिंपल सा यहाँ पर आप लोगों ने एड अ फोटो लेने के बाद उसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे, ये कर लिया, करने के रियल नेम एज मेंशन। अब आप लोगों के जो बैंक के अकाउंट पे लिखा हुआ है ना वो वाला नेम देना है आप लोगों ने, तो वो देने के बाद आप नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद टेल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप लोग इनको बताएं कि आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एक छोटा सा आप लोगों ने प्रोफेशनली बायो डेटा देना है अपना यहाँ पे, ठीक है।
बायो लिखना नहीं आता होगा तो कोई मसला नहीं, आप आ जाइएगा चैट जीपीटी पे सिंपल और वहाँ से कोई भी एक बायो जो है आप लिखवा लीजिएगा अकॉर्डिंग टू आप जो एक्सपीरियंस के उसके साथ, और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आऊँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगी और उसके बाद यहाँ पर एंटर यूर रेजिडेंशियल एड्रेस। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो ओरिजिनल मेन एड्रेस है वो प्रोवाइड करना है, वो भी मैं डाल देती हूँ, ठीक है। अगर ये किस लिए कह रहे हैं तो आप इसको बात को थोड़ा सा गौर से पढ़ें ना, मैंने आपसे कहा था ना कि पेमेंट देने के मामले में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं इसको अगर जूम करूँ तो ये कह रहे हैं एंटर यूर रेजिडेंशियल एड्रेस, वी विल नीड यूर रेजिडेंशियल एड्रेस टू ट्रांसफर चेक इन केस ऑफ फेल्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती तो ये आपको चेक भेजेंगे भाई, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो नहीं करता, ठीक है। ये हो गया तो यहाँ पर आके अब आप लोगों ने अपना जो नंबर है वो प्रोवाइड करना है। मैंने अपना नंबर दे दिया और साथ ही मैं यहाँ पर मैंने कंट्री सेलेक्ट कर, सबसे पहले अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। डिग्री आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपने बीए किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, बीकॉम किया है, बीएड किया है, कुछ भी किया है, तो आपने अपनी जो डिग्री है सही वाली डिग्री आप लोगों ने यहाँ से चूज़ करनी है। आप लोगों ने किस यूनिवर्सिटी से की है, अपनी यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम लिखना है, कि जो आपका ओरिजिनल डेटा होगा आप लोगों ने वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी कर दिया मैंने, मतलब आपने जो सब्जेक्ट लिया है ना भाई, आपकी स्पेशलिटी होगी ना, कोई मेजर सब्जेक्ट होगा तो आप लोगों ने वो देखिए। आपने कब किया था, मैंने अपनी कंपनी कम्प्लीट कब किया, तो मैंने जी 2021 में जो है कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एड एन अदर डिग्री, अगर कोई और डिग्री है आप डालना चाहते हैं एज यू विश कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर सबमिट करूँगी। प्लीज एंटर ग्रेड पॉइंट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर हम लोग मिस कर गए हैं ग्रेड पॉइंट, तो देख लेते हैं कहाँ पर था ये वाला, ठीक है। आपने इसको फिल करना है यहाँ पर, अपने अपना जो ग्रेड है आपने जो लिया था तो आप लोगों ने जरूर ऐड करना है। तो यहाँ पे सबमिट करती हूँ, ठीक है। ये भी हो गया, फिल हो गया, कंप्लीट हो गया। चूज सब्जेक्ट, अब आप लोगों ने चूज करने हैं जिस पे आप काम करेंगे, जिनके सवाल आते हैं जवाब देंगे, ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहला वाला ये कंप्यूटर साइंस से सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे इसके जो सब कैटेगरीज हैं मैं तो आप लोगों ने वो चूज कर लें, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लें आप कौन कौन सा जो है यहाँ पे चूज करना चाहते हैं। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चूज करती हूँ, यहाँ पे सबमिट करना है और जो है ऑप्शन मिलता है लास्ट वाला, ठीक है। ये मेन ऑप्शन है, अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो ना तो आपका 100% चांसेस है आप लोग यहाँ पर हायर्ड हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जॉब मिल जाएगी और $2,000 बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। $2,000 की बात हो रही है यहाँ पर, मैंने कैलकुलेटर में आई तो आज का रेट क्या है, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ आज के डॉलर के रेट से, तो 287,288 चल रहा है, करके एंटर करते हैं, चेक दे 5,76,000 आप लोगों को पर मंथ मिल रहे हैं घर बैठे हुए सिर्फ सवालों के जवाब देके, ठीक है। तो एक ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोगों ने ज़रूर करनी है। और उसी के साथ व्यूअर्स मुझे क्या करना है, ये वाला जो टेस्ट है सिर्फ कंप्लीट करना है। अब आप लोगों को टेस्ट क्लियर नहीं करना आता, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से आप भी कीजिएगा तो आप लोग जो है अप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये कुछ सवाल देंगे एमसीक्यूज़ की शक्ल में, फिर आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को भी ओके कर दिया है, कंफर्म कर दिया कि भाई अब कुछ सवाल आते हैं मैं आप लोगों से आपसे पूछूंगी, उसके राइट सही से जवाब हैं वो मुझे देने हैं, ठीक है। अब ये वाला सवाल है ना, इसका जवाब नहीं पता आपको, यहाँ पे ये सवाल भी आप लोगों ने कॉपी करना है, साथ में उसके ऑप्शन में सारे क्लिक किए, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आ जाएं चैट जीपीटी में, ठीक, सिंपल उसको कमांड दे दें, प्रॉम्प्ट दे दें, उसको लिखें, एंटर करें। अब ये पढ़ के ना उसका जवाब मुझे दे देगा। आप इसका आंसर देख सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार चूज करना है, कर लिया तो ये ओके हो गया हमारा सही। साथ ही में इसका सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल को भी आप सेम इसी तरीके से यहाँ से ये देखें कॉपी किया और साथ में इसको कॉपी करके अगेन आ जाएंगे चैट जीपीटी और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करेंगे। बहुत आसान है, बच्चों वाला काम है, ये देखते जाएं, ठीक है। अब इसका जवाब क्या आएगा ऑर्डर, तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने जो है ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर देना है, इसको जवाब दे देना है। थर्ड यहाँ पर द ग्राफ दैट, ये वाला तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को भी यहाँ से मैं कर लेती हूँ। ये सारा कुछ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये कर लिया, एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल ग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप रेंडमली इसी तरीके से सारे सवाल लेंगे, उनके ऑप्शन लेंगे और आपने चैट जीपीटी को टास्क देना है। अगर इनकेस आप लोग चाहें तो ये सारे के सारे एट अ टाइम भी पूछ सकते हैं। ये सारे मैंने इकट्ठे सेलेक्ट किए जी, इनको कॉपी किया, चैट जीपीटी में आई, मैं यहाँ आकर मैंने इसको टास्क दे दिया। अब ये इसका काम है, ठीक है। अब ये मुझे देखिएगा क्या करेगा, अब सारे सवालों के जो जवाब है ना वो निकाल के देगा, ठीक है। आपके सामने ही 10 के 10 सवालों के जवाब बात दे दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपल बिस्मिल्लाह करके ये सबमिट टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टेस्ट है वो अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला टेस्ट जो है अप्रूव्ड हो चुका है। अभी मुझे कहते हैं गो टू बैंक डिटेल, मतलब कि पहले आप लोग अपनी बैंक की डिटेल्स हैं उसके
बाद यहाँ पर आप लोग आपके काम करना है, ठीक है। अब बैंक डिटेल मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, आप क्या करना है आप लोगों को, आपका बैंक का नाम लेना है, ठीक है। साथ में उसका जो आप लोगों का बैंक अकाउंट जिस नाम से बना होगा वो वाला टाइटल देना है, ठीक है। साथ में आप लोगों ने बैंक अकाउंट जो है नंबर होता है ना वो देना है, और फिर एड्रेस यानी कि आपकी ब्रांच का एड्रेस देना है, स्विफ्ट कोड, ठीक है। अब स्विफ्ट कोड को क्या है, ये भी आपको यानी कि बैंक का एक कोड ही होता है जो कोई आपको बैंक ही प्रोवाइड करता है। आपने कॉल करके अपने बैंक से स्विफ्ट कोड ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आईबीएन नंबर मोस्टली आपके चेक पे पूरा लिखा हुआ होता है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने बैंक से भी पूछ सकते हैं। और साथ पेपाल एड्रेस से आप पूछेंगे ये क्या बात है, लेकिन आपको आपके पैसे डोंट वरी रियल प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, कैसे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को टैक्स पेयर है या टैक्स पेयर नहीं है तो उनसे उनके साथ अगर कुछ डिटेल्स होती है तो वो आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। सब कुछ करने के बाद मैं इसे सबमिट करूंगी तो फाइनली मुझे ये एक मैसेज करते हैं कि ईमेल करेंगे कि आप जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गए हैं, आप लोग आपको एज अ ट्यूटर हम लोगों ने हायर कर लिया है। उसके बाद क्या हो गया, इस प्लेटफॉर्म पे मैं रजिस्टर्ड हूँ, अब जितने सवाल होंगे और उनके मैं जवाब दूंगी तो उनके अगेंस्ट में मुझे पैसे मिलेंगे जो कि मेरी फाइनल सैलरी बनके $2,000 तक आएगी, ठीक है। सवाल किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से जवाब देने हैं वो भी बता देती हूँ क्योंकि आप ये जरूर पूछेंगे। मुझे इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको जिस सब्जेक्ट में ग्रिप है ना आप उसी पे काम कर रहे हो, ठीक है। सबमिट योर क्वेश्चन हियर, इस तरीके से आपको बहुत सारे सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अगर जवाब नहीं पता ना तो आपने क्या करना है, सिंपल ये सवाल लिया यहाँ से कॉपी किया, अब इसका देख लेते हैं इसने किस तरीके से आंसर किया है, ठीक है। आप जब आंसर दोगे ना किसी भी सवाल का और वो बिल्कुल सही होगा, अप्रूव्ड आंसर यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो अप्रूव हो चुका है और इसके अगेंस्ट में ही आप लोगों को पैसे मिलते हैं, तो आप लोगों ने सोच समझ के सही तरीके से जो है ना वो जवाब देना है, ठीक। नए नए सवाल होंगे जिनके जवाब नहीं दिए गए होंगे आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आने के बाद पहले मैंने अपना सवाल जो है उसको यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो जवाब है उसको कॉपी करना है, ठीक है। ये करने के बाद मैं सेव करके यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि अपना सॉल्यूशन मतलब अपना जो आंसर है वो पीडीएफ में शेयर कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्यूशन पीडीएफ करूँगी तो मेरा जवाब जो है ये उनके पास चले जाएगा, वो रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर वो सेटिस्फिकेशन वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है जवाब है तो क्या होगा, वो अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। अप्रूव्ड कैसे होगा मैंने आपको वो भी दिखाया अभी यहाँ पर कि अगर आपका जवाब इनको पसंद आता है और वो सही हो है तो आपको इस तरीके से ना अप्रूवल यहाँ पे लिखा आएगा। अब आप पूछेंगे कि मैडम हमने सैलरी कहाँ से लेनी है, तो उसके लिए ये जो तो आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप जहाँ पर मेरी पिक्चर नज़र आ रही आएंगे तो नीचे आपको जो है ना यहाँ से क्या नज़र आपको मिलता है जनाब, यहाँ पर अब आप लोगों ने ना पेपाल का है तो आप पेपाल का सुन के तो कहेंगे कि ये किसी काम का नहीं है, तो पेपाल का मैं आपको बता दूँ बहुत आसान है। आप इंटरनेट पर आएंगे ना, आपने सिंपल लिखना है पेपाल एजेंट्स इन पाकिस्तान, तो आपके सामने बेशुमार ऐसे एजेंट्स आ जाएंगे जो कि आपका जो अमाउंट है अपने अकाउंट पेपाल के अकाउंट में लेते हैं और आपसे फिर आपका अकाउंट पूछा जाता है कि किसमें आप लोगों को वो मनी जो है कन्वर्ट करके भेज दी जाए। वो लेने के बाद वो आपसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, वो तो आपसे बैंक भी लेता है आपको पता है, तो आपने एक्स्ट्रा चार्जेस दे के वहां से अपने पेपाल का अमाउंट ले लेना है। तो ये भी बहुत आसान सा और ईजी तरीका है और बहुत सारे बेशुमार आपको वेंडर्स मिल जाएंगे, एजेंट्स मिल जाएंगे। आप जरा गूगल पे जाएं, सर्च करें, ये उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन सा जबरदस्त सा $2,000 देने वाला प्लेटफॉर्म पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, देखिए अल्लाह हाफिज़।